हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेट पूजा। आज हम बनाने जा रहे हैं एक हेल्दी सूप जो बहुत ही हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस है, साथ में स्वादिष्ट भी है। ज़रूर इस रेसिपी को बना के देखिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं बर्न्ट कॉर्न रागी का सूप। ये बनाने के लिए हमें चाहिए, सबसे पहले एक बर्तन हम गर्म कर लेते हैं और उसमें डाल देते हैं 1 टेबलस्पून जितना जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल। और अब हम उसमें पहले टॉस कर लेते हैं 2 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन। इसे हमें अच्छे से भून कर लेना है और उसके बाद हम डाल देते हैं 3 टेबलस्पून जितना मकई के दाने। ये स्वीट कॉर्न है, ये बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगती है जब इसे आप अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये बॉइल्ड में भी अच्छा लगता है। इसे हम अच्छे से लहसुन के रस के साथ फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि लहसुन अच्छे से बर्न हुआ है। और अब हम इसमें डाल देते हैं वेजीज। यहाँ पे मैंने कैरेट्स यानी कि गाजर, बीन्स और साथ में और थोड़े प्याज लिए हैं। इसे मैंने बारीक कट करके लिया है। और इसे हम इसके बाद डाल देते हैं स्वादानुसार नमक। स्वादानुसार नमक के बाद इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। हमें ज़्यादा देर तक टॉस नहीं करना है, वो क्रंची फ्लेवर जो वेजीज का आता है उसे हमें बरकरार रखना है। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून रागी का आटा। उसे हम थोड़ा सा पानी मिला के एक पेस्ट रेडी करते हैं, एक स्लरी रेडी करते हैं। और अब हम इस बर्तन में डाल देते हैं। थोड़ा सा और पानी चाहिए तो आप और ऐड कर सकते हैं। एक पतला सा पेस्ट बना के अब इसमें हम सूप के लिए मिला देते हैं। आप ज़रूरत के अनुसार इसमें और पानी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 कप जितना पानी डाला है। ये 2 जन के लिए काफ़ी है, आप चाहिए तो और इसमें पानी ऐड कर दीजिए। बस अभी हमें इसे एक उबाल आने तक इसे पकाना है। इसे हार्डली 2 मिनट लगेगा इसे उबलने में। अब हम इसमें मिला देते हैं तकरीबन 1 टीस्पून जितना काली मिरी का पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चाहिए तो आप इसमें सॉल्ट भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैं गार्निश कर रही हूँ धनिए के पत्ते के साथ। ऑलरेडी हमने इसमें नमक मिलाया था तो मैंने और ज़्यादा नमक मिलाया नहीं। जितना कम नमक का सेवन करेंगे उतना आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये देखिए बर्न्ट कॉर्न रागी का सूप बनकर रेडी है। बहुत ही यमी रेसिपी है ये। अगर आपको वेट लॉस करना है तो ज़रूर आप इस सूप को ट्राई कीजिए और इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में। दिल से बनाइए, दिल से खाइए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।